नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम यहाँ गुजरात के सूरत एरिया से बोल रहे हैं। यहाँ जो एक महाराष्ट्रियन जो डिप्टी मेयर पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है गुजरात में। और एक इनको हम शुरू से जानते हैं डॉक्टर साहब को। इन्होंने मतलब जो टाइम मैंने जो भी उन्होंने गुजरात में यहाँ सेवा आज तक चल रही है पेशेंटों की, और मैंने कर ही रहे हैं अभी भी जब डिप्टी मेयर का पद मिलने पर भी। और आगे हम उनसे हम जानेंगे और अपना जगत न्यूज 24 की तरफ से उनको बधाई देंगे। सर जी, आपको हमारा जगत न्यूज 24 की तरफ से आपकी जो चयन हुआ डिप्टी मेयर का, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप आगे हम जानेंगे कि आपने इस पद पर जैसा आप विराजमान हुए, तो आपका क्या क्या सोच है, क्या क्या आपने इस एरिया के लिए क्या क्या आपने करना है। मुझे सूरत महानगर पालिका के डिप्टी मेयर पद की नियुक्ति करने के लिए मैं सूरत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लिंबायत लोकप्रिय धारासभ्य सिंह पाटिल जी, उनका सभी जो नेता मंडली है उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पिछले 2021 में हम नगर पालिका में नगर सेवक बनकर चुनके आए थे, उसी दिन से लेकर हम हमारे विस्तार में बोड़ाद्राक क्षेत्र में लिंबायत क्षेत्र में विकास का जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और सूरत का जो पिछले 27 साल का विकास चल रहा है और विकास के गति को तेज देने के लिए पूरी टीम के साथ हमारे जो नवनियुक्त टीम है, मेयर श्री, चेयरमैन श्री, शासक पक्ष नेता और दंडक श्री, और सभी टीम के साथ में सूरत के विकास को और गति देने का काम करेंगे। अभी हमने एक तुरंत अभी एक देखा कि एक जो मेयर तरीके इन्होंने एक भाई को लगभग 50,000 का जो उनका जो मेडिकल में जो खर्चा हुआ है उसमें जो नगर पालिका द्वारा या जो मेयर फंड से दिया जाता है वो चेक दिया गया, उसका भी हमने लिया है। और आगे सर कुछ आगे का जो प्लान है, आगे का क्या प्लान है, और जो अपना SMC या जो भी अपना सूरत के लिए जो भी सपने हैं। सूरत का सपना, सूरत को स्वच्छ और सुंदर रखना। हर सूरत वासियों को जगत की 24 से मैं नम्र विनती करता हूँ। देश के अंदर में सूरत का इस बार पिछले 3 साल से लगातार द्वितीय कामना का सूरत आ रहा है। आने वाले दिनों में 2023-2024 में सूरत नंबर 1 स्वच्छता का शहर बने, इसलिए हर व्यक्ति ने जिम्मेदारी के साथ कोई भी कचरा दुकानदार से लेके, डेयरी से लेके, होटल से लेके, हर व्यक्ति मकान मालिक तक अपना कचरा घर के बाहर यूं ही ना फेंके, कचरा डोल में डाले, कचरा गाड़ी का यूज करे और सूरत को स्वच्छ बनाने में, सुंदर रखने में आपका साथ सहयोग रखे। थैंक यू। उन्होंने जो भी विचार रखे बहुत बढ़िया रखे, क्योंकि यानी जब वो स्वयं सुंदर रहेंगे तो शहर सुंदर रहेगा, शहर सुंदर रहेगा कोई बीमारियां नहीं फैलेगी। और सही बात है, हमारा भी जगत न्यूज 24 सभी से अनुरोध करता है कि भाई जैसा भी दिवाली का सीजन भी आ रहा है, दिवाली में भी आप लोग सभी तरह से सफाई रखें, या जो भी ज्यादातर फटाके वगैरह जो खराब फटाके वगैरह यूज नहीं करे, और केवल प्रेम से और दिल से मिलते रहिए। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत से पुंडलिक पाटिल के साथ डॉक्टर जगत सिंह राजपूत। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगत न्यूज 24।